हेलो हेलो जी जी। हाँ जी, किन से बात हो रही है मेरी? अच्छा, जी इब्राहिम फैज से बात हो रही है विनस टीवी पे। फैज साहब, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करनी थी कि जी आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा है। पहली तो आपको, सभी को नए साल की बहुत बहुत मुबारकें। शुक्रिया शुक्रिया जी। शुक्रिया आपको भी जी। हाँ, तो दूसरी बात ये थी कि आपके साथ लेडीज भी बैठे हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं और बहुत अच्छी उनकी फ्लो है आवाज का। आप बिल्कुल उनको मौका नहीं दे रहे बोलने का, तो आप ज्यादा जो बात करते हैं ना, वो शायद व्यूज के लिए, मेरे जैसे व्यूज के लिए काफी वो बोरिंग भी हो जाती है। आप सभी को अगर मौका दें तो बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह इंशाल्लाह ये आपकी जनाब दरख्वास्त है, ये कबूल हुई। लेकिन ये कि इस वक्त अलहाज मोहम्मद बशीर शाह साहब का हम एक बहुत प्यारा सा कलाम सुन रहे हैं, तो हमने तो पहले ही कहा था लेडीज आर फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट आपकी ये ख्वाहिश है जो अभी पूरी करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम आज शगुफ्ता इजहार पर ही छोड़ेंगे, क्योंकि आपने अभी रिक्वेस्ट कर दी, इसलिए। और बोर हम बिल्कुल आपको नहीं होने देंगे, आप स्टे ट्यून वेनिस टीवी। अच्छा जी। जी भाई साहब तो यूनान की बात है। जी यूनान में रहने वाले जब वापस जाते हैं, उनके साथ ये होता है, 16 पक्का रंग होया। जी जी वो कहता है इंस्पेक्टर, वाह 16 पक्का रंग होया, अखां विच वड़ियां, ये रात दिन गिनदे सौ कैदियां घड़ियां, वाह जी वाह वाह क्या कान बात, कोलियां दी डूंगी किसे कान विच विचों आए आए हो। भाई मैनू इंज लगदा है यूनान यूनान में यूनान जो विचों आए आए, हो। क्या बात है क्या बात है जैसा। वो जनाब सामान इधर उधर अपना कर रहा है, वो जेले हथ वेख्या उन्हें, क्यों पासपोर्ट जी फड़ाया, अच्छा हथां उत्ते चंडियां दा ढेर लगा होया है। वाह जी वाह हथां उत्ते चंडियां दा ढेर लगा होया है, मत्था जिवें चन नू हनेर लगा होया है। वाह क्या बात ओए है क्या बात है क्या बात है साहब। बड़ी देर बाद मेरी पहचान विच आए हो। भाई यूनान मैनू इंज लगदा है यूनान में विच जो है, आए। अच्छा वो फोटो नहीं मिल रही होगी वो पहले जो है ना, ना उसने बड़ी अच्छी जो है कमीज बॉस की और ये वो पहन रखी थी, जी एडी सोहनी जान दाड़ी, एडी सोहनी जान जान दाड़ी दाड़ी किवें रुड़ गई है, ए ये दुगे नक दी उठान उची किवें मुड़ गई है। क्या बात वाह क्या बात है? वो अच्छा नक्शा पेश कर रहा है, एडी सोहनी जान दाड़ी किवें रुड़ गई है, ये नक दी उठान उची किवें मुड़ गई है, ये बल दियां अग्गां दी मचान विचों आए हो। भाई वाह जी मैनू इंज वाह लगदा है यूनान यूनान विचों विच आए है, हो। क्या क्या बात है क्या बात। वो फिर नहीं बोला कुछ भी, उसको तो ये था ये चाक लगाया और मैं भागू यहां से। सुने है यूनान दियां मौजां जिन्ने चखियां, जी वो उधर से आ गया, अच्छा सुने है यूनान दियां मौजां जिन्ने चखियां, वो अपने पराया को मोड़ लेंदा अखियां। वाह जी वाह क्या बात है ए नीलियां समुंदरां दी शान विच आए हो। क्या भाई बात मैनू इंज लगदा है यूनान 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 विचों विचों आए। आए, क्या बात है क्या बात है सर। वाह अब जी उसकी परेशानी और बढ़ गई, यार ये कुछ बता ही नहीं रहा, उसका बेटा जवान हो गया, उसको उसने भेजना यूनान तो बात ही नहीं कर रहा। अच्छा अब उसकी तरफ आ गया क्योंकि वो ग्रीन कार्ड निकल आया पासपोर्ट से, अच्छा ये अमरीका तो यूनान विच जेड़े जेड़े रहिंदे ने, ओए होए वो होए तो सवाई निकल गया। क्या बात है अच्छा अमरीका तो यूनान विच जेड़े जेड़े रहिंदे ने, ये सुने आए उन्होंने ग्रीन कार्ड देंदे ने। क्या वाह बात जी है वो वाह जी वाह लोग वाह जी वाह। दो ही तो मुकरर जी मुल्क थे, मुकरर अच्छा मुकरर ये वाला शुक्रिया, शेर दो ही तो मुल्क थे, एक अमेरिका और एक यूनान। ना मुकरर जी अमेरिका तो अमेरिका यूनान विच जेड़े जेड़े रहिंदे ने, हाँ सुने आए उन्होंने ग्रीन कार्ड देंदे ने, क्या बात वाह एडे जी पक्के लोगों की जुबान विचो आए हो। बस मैनू इंज लगदा लगता है है यूनान यूनान भी विचो चुआ आए क्या हो। बात है क्या ऐसा बात है जैसा। जबरदस्त। अब यूनान की मशहूरी देने हर पासे चर्चे, वो तो कहता साढ़े मुल्क च वेख लो हर कंध उत्ते लिखे आ जे कोई अच्छा। यूनान की मशहूरी देने हर पासे चर्चे, ए तक लो हकीमां दी दवाई वाले पर्चे, वाह क्या जी बात वाह है क्या बात है क्या तक बात। लो हकीमां दी दवाई दवाई वाले वाले जी पर्चे, जी तुसी भी ते उन्हां दी उड़ान विचों आए हो। भाई मैनू इंज लगदा यूनान है यूनान विचों विच आए आए, हो। क्या वाह जी बात वाह है क्या क्या बात है। क्या काल काल जबरदस्त मचाया। जबरदस्त। नहीं, अभी हम एक ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन आप जल्दी जल्दी इसे हाँ खत्म अपने कीजिए शेर पहले। जी, उसने कुछ नहीं बोला और वो भाग के निकल गया। ना दसो सानू भावे, अब वो चिचड़ा हो गया ना दसो सानू भावे, शाद बुझ ले आए क्या बात खेडां विचों, तुसी भी ते सब कुछ ले आए, क्या वाह बात जी जी वाह।
ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਯੂਨਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਹਮਾਰੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਯੂਨਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਤਰਫ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਵਕਫਾ ਪਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਕੋ ਹਮਾਰੇ ਆਜ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਫਾਰਮੈਟ ਤੋ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ ਲੋਗੋਂ ਨੇ ਅਭੀ ਵੇਨਸ ਟੀ ਵੀ ਔਨ ਕੀਆ ਹੈ ਉਨਕੋ ਦੁਬਾਰਾ ਹਮਾਰੀ ਤਰਫ ਸੇ 2011 ਕੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ, ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਅੱਛਾ, ਵਕਫਾ ਪਰ ਜਾਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਹਮਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਆਜ ਜੋ ਲੇਡੀ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵਿਊਅਰਸ ਇਹ ਬਤਾਤਾ ਚਲੂੰ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਵੋ ਟੈਲੈਂਟਡ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਗ੍ਰੀਸ ਕੀ ਕਰੀਮ ਹੈ, ਯਹਾਂ ਕੇ ਜਿਤਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਾਰਸ ਹੈ ਵੋ ਆਤੇ ਹੈ ਵਿਨਸ ਟੀ ਵੀ ਪਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗ੍ਰੀਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਔਰ ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਤੋ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ। ਅੱਛਾ, ਕਿਆ ਕਹਿਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਬ੍ਰਾਈ ਭਾਈ ਪਲੀਜ਼ ਤਾਰੀਫ ਨਾ ਕੀਆ ਕਰੇ, ਹਮ ਇਸ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ, ਬਸ ਆਜ਼ੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਕੋ ਇਸਕਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡਨੈਸ, ਇਹ ਹਰਟ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਹਮੇਂ ਜ਼ੇਬ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀ ਐਜ਼ ਆ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰ ਫੀਡਬੈਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਐਤਮਾਦ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਹਮ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਜਬ ਆਪਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਹਮੇਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਮਿਲਤੀ ਹੈ। ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਭਾਈ ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਔਰ ਤਮਾਮ ਉਨ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਬਹਿਨ ਭਾਈਓਂ ਕਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਪਸੰਦ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਰ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜੋ ਪੀਛੇ ਹਮੇਂ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਉਸਕੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਖਸੂਸਨ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਨਕੋ ਮੈਂ ਇਹ ਬਾਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਤਾਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹਮਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਅੱਛਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕੋਈ ਕੜਵੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮਾਨੀਏ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਹਕੀਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਰ ਹੈ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਲਿਵਿੰਗ ਸਟਾਈਲ ਹਰ ਸਟਾਈਲ, ਇੱਕ ਹਮਾਰਾ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ, ਹਮਾਰਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੀ ਤਰਫ ਆਪ ਕੀਨ ਕਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਪਰਦੇਸ ਕਾਟ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਰ? ਇਹ ਹਮਾਰੇ ਨਸੀਬ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਮ ਆਜ ਪਰਦੇਸ ਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਸਹੀ ਕਹਾ ਆਪਨੇ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕਾ ਕਾਮ, ਯਹਾਂ ਕਾ ਜੋ ਇਹ ਯਹਾਂ ਗ੍ਰੀਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੇਂ ਜਿਸੇ ਦੁਲੀਆ ਕਹਾ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਸਖਤ ਹੈ ਕਿ ਅਲਹਾਜ ਬਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਜੋ ਨਜ਼ਮ ਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਬਤਾਇਆ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਾਮ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਊਂ, ਮੈਨੇ ਨਜ਼ਮ ਮੇਂ ਸੇ ਇੱਕ ਜੋ ਮਿਸਰਾ ਹੈ ਉਸ ਪੇ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਜੀ, ਕਿ ਵੋ ਜੋ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਥੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੋ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਨਕੇ ਵੋ ਫੋਟੋ ਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਔਰ ਉਨਕੋ ਦੇਖ ਕਰ ਵੋ ਹੱਦੋ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਵੋ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਐਸਾ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੀ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਮਨਿਸਟਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਵਾਲਾ ਜੋ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਵੋ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਹਮ ਸੇ ਯੇ ਗਿਲਾ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪ ਕਾ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਵੋ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਕਿਸ ਬਾਤ ਕਾ? ਵੋ ਯੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜੋ ਆਤੇ ਹੈ ਉਨਕੀ ਫੋਟੋ ਉਨਕੀ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਵੋ ਦੂਸਰੇ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਕੇ ਰੈੱਡ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੈਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੀ ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਝੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਯੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖ ਲੈ ਯੇ ਕਰ। ਮੈਨੇ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਅਸਲ ਮੈਂ ਯੇ ਫੋਟੋਸ਼ਾਪ ਪੇ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦੇਤੇ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੋ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਵਜ੍ਹਾ ਅਕਸਰ ਔਕਾਤ ਯਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਾਤ। ਤੋ ਵੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪਰ ਲਗਾ ਫੋਟੋ ਉਨਕੋ ਵੀ ਐਸਾ ਹੋਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਤੇ ਹੈ ਅਭੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਕੌਣ ਸੇ ਕਾਲਰ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਆਜ ਨਏ ਸਾਲ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਪਰ। ਜੀ ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਚਾਲ ਆਪਕਾ ਕਿਵੇਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਖੈਰੀਅਤ। ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਕਹਾਂ ਸੇ? ਮੈਂ ਜੀ ਆਸਿਕ ਤੋਂ ਲੜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆਪਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੋ ਸਭ ਲੋਗੋਂ ਕੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਏ ਸਾਲ ਕਾ ਬਹੁਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨ ਆਪਕੋ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵਾਕਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵਹਾਂ ਪੇ ਜਿਤਨਾ ਸਕੂਨ ਫੀਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਮ ਬਾਹਰ ਕੇ ਮੁਲਕੋਂ ਮੇਂ ਜਾ ਕੇ, ਆਪ ਜਿਤਨਾ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੇਂ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਗੋਂ ਕਾ ਹਮ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ, ਆਪ ਕਿਸੀ ਵੀ ਮੁਲਕ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਫੋਰਨਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ,
हकीकत में वो बेचारा सिर्फ एक ही मकसद लेकर आता है कि अगर वो एक यूरोप यहाँ कमा रहा है तो उसने पूरे अपने पिछले खानदान को सपोर्ट करना है। वो क्या करते हैं कि एक यूरोप भी अपनी जेब का, इवन वो बेचारा सिर्फ खाने के पैसे यहाँ बचा रहे हैं। चलो फैमिली वाइज जैसे हम फैमिली है यहाँ पर कोई, वो तो फिर उनका कोई सिस्टम थोड़ा बहुत यहाँ बन ही जाता है, लेकिन जो लोग अकेले यहाँ मौजूद होते हैं प्रदेश में, उन बेचारों की मैं उनको उनकी हिम्मत को धमदा देते हैं कि वो अलमियानों की हिम्मत जो है वो और बढ़ाए कारण के अपनी फैमिली को पीछे सपोर्ट करते रहे। जी हाँ बिल्कुल सही है ना। जी हाँ बिल्कुल जी, लगातार हमारी तरफ से मुस्बत किस्म के पॉजिटिव पैगाम होते हैं जो वो अपनी कम्युनिटी अपने हर हम जबान को जिसको हमारी समझ आती है उसके लिए होते हैं। तो जो मकसद है सबसे पहला उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, और जो लोग भूले भटके होते हैं उनको हमारे जितने शोरा कराम हैं, हमारे जितने प्रेजेंटर्स हैं, हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही पैगाम हमेशा कन्वे करते हैं कि खुदारा पहले अपने वतन का अपनी फैमिली का सोचें, और उसके बाद जो दूसरे काम हैं वो तो ज़रूरियात में आ जाते हैं, तो वो भी साथ साथ में चलते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट कौन से कॉलर हैं और कहां से हैं हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई जी। फैज इब्राहिम साहब ना गल करनी। जी भाई जन करो गल। जनाब फैज इब्राहिम साहब जेड़े बैठे ने उन्होंने ना गल करो जी। जी जी फैज इब्राहिम नाल ही थोड़ी गल हो रही है, क्या हाल ने? नवा साल मुबारक होवे तुहानू। खैर मुबारक भाई जी, मैं इटालिया तो बोल रहा भाई ना, फारूक नाम मेरा। माशाल्लाह और की हाल है? सेहत माशाल्लाह बड़ी बनाई है जी अजकल इतने ज्यादा सेहत ही बनती है। मैंने टीवी वाले ने जड़े ए जनाब ज्यादा भजन दौड़न नहीं दिंदे, इस वजह नाल बह के खानियां पैंदियां ने वेलियां। ए अल्लाह वाले साडी एकरी मुलाकात होई थी 14 अगस्त वाले दिन ग्रीस दे विच। अच्छा जी, ते हुण इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे मुलाकात असीं वेख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगदा सानू। माशाल्लाह माशाल्लाह, दोबारा तुसी 14 अगस्त उत्ते वो, इस दफा भी 14 अगस्त उत्ते बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम जड़े ने शिरकत की पहला एडवांस ली दावत है। इटली तो कोई मुबारकबाद का कोई पैगाम दियो ना जी पूरी दुनिया वास्ते। ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਦਾਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਅੱਛਾ ਇਟਲੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਟਲੀ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜਨਾਬ ਅਨਕੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਤਾ ਨੋਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਇਟਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮ ਪਿਆਰ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। आई साहब कुछ मेरे कान में कहना चाहते हैं लेकिन सीधे कहो, आज ये साल भी गुजर गया अनमोल मोती बिखेर के। आई साहब एक कॉल प्लीज, ये भी हम सुनते हैं लेकिन अभी देखते हैं कि हमारे साथ कौन से कॉलर और कहां से हैं और हमें क्या कहना चाहते हैं आज। हेलो जी, वालेकुम सलाम। हेलो जी बोलिए, प्रोग्राम में बात हो सकती है लाइव? जी जी आपकी लाइव बात हो रही है, कहाँ से हैं आप? जी मैं यूके से बात कर रहा हूँ। आपका नाम? निसार अली। निसार अली साहब नया साल मुबारक हो भाई जान। आपको भी मुबारक हो। तो ये तो लंदन का नंबर है, ग्रीस पे मिल रहा है, पता नहीं ये किस तरह का करता हूँ। जी हाँ इस वक्त आप ग्रीस में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, और खैरियत है सब? बिल्कुल दुआएं आपकी। क्या कहते हैं आज नए साल के मौका पर? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, घर पे ही छुट्टी है तो घर पे ही मना रहे हैं। इंग्लैंड में, इंग्लैंड से बात कर रहा हूं, एलिसबरी से, बकिंघमशायर। अच्छा, अपने किसी प्यारे को कोई आज न्यू ईयर का पैगाम देना चाहते हो? बस मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत ईद मुबारक और नए साल की जो है ना, मतलब अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान और सब दुनिया में अमन हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहद शुक्रिया निसार भाई, खास करके यूके से जो लोग हमें कॉल करते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं शगुफ्ता, एक बहुत अच्छी बात यह है कि इन 3 सालों में हमारे चैनल हमारे प्रोग्राम की वजह से बहुत से रिश्ते बंधे हैं यहाँ पर, यूके के लड़के और लड़कियों के यहाँ पर शादियाँ हुई हैं, और अक्सर उकात जब हम जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और क्रेडिट अक्सर उकात दिया जाता है हमारे प्रोग्राम को। तो अभी देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन है हमारे साथ और कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम।